आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। अमित शाह जी ने चार पंक्तियां कॉन्फिडेंस की कही कि चाहे चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में, और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव आपके पाकिस्तान में। बहुत अच्छे भैया, क्या बात है। मैंने कितने खुश हो गए बीजेपी वाले, देखो आपको तो मालूम हो गया, आप तो यही रहते भाई साहब, तो ऐसी गर्दन हिला रहे जैसे बुशेट इन्होंने उतारा था ऊपर। राजस्थानी से पूछ लिया मैंने, कहा यार वो बंबई के अंदर एक हीरो रणवीर सिंह, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने जो गर्वता से जवाब दिया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, उस राजस्थानी ने जो पलट कर जवाब दिया, आपकी भी बड़ी तालियां उठेगी, उस राजस्थानी ने पलट कर जवाब दिया कि इन तटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। क्या बात है। तो 6-7-8 महीने पहले अपनी चाइना से झड़प हो गई थी, तो मैंने चार पंक्तियां चाइना वाले पे बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। सौम्यता का, शांति का, वक्त ने लेकिन बिगुल बजवा दिया है क्रांति का। गर्द ने हर वक्त में अपनी कटा सकता नहीं, सैन्य बल अपना हमेशा में हटा सकता नहीं, जो विरासत में मिला उसको भुला सकता नहीं, और द्वार पर में द्रोहियों के पग धुला। अपनी मखमली आवाज से मैं को बना लेता है, रोहित खन्ना जो कौआ है जो बोतल समझा लेता है, इंदौर से आए रोहित खन्ना जोरदार तालियां। घर जाते ही पत्नी ने सारी प्लेटें मंजवा ली थी, घर जाते ही पत्नी ने सारी प्लेटें मंजवा ली थी, झाड़ू फटके करने वाले बटके का तो मान करो, अरे देवी मेरी प्राण प्यारी मेरा भी। मोदी साहब और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इस समय है जैसल पार्क चौपाटी, जहां पर जैसल पार्क चौपाटी महोत्सव मंडल द्वारा यहां पे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसका नाम दिया गया है सागर की तरंग, जहां पे राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पे आते हैं, लोगों को अपने व्यंग के माध्यम से हंसाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है कवि सम्मेलन, ये आज से नहीं लगातार कई सालों से रोहिदास पाटिल करते चले आ रहे हैं जैसल पार्क चौपाटी पे। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति तौर पर मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर, रवि व्यास व भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रोहिदास जी पाटिल काका, इनकी एक संस्था है जैसल पार्क चौपाटी महोत्सव मंडल, ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का यहाँ पे चौपाटी पे आयोजन करते हैं, और आज भी काफ़ी सारे महान कवि, हास्य कवि, वीरस के कवि यहाँ पे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित है, और शहर के समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी यहाँ पे उपस्थित है, भारी संख्या के अंदर स्थानीय रहवासी यहाँ पे उपस्थित है, पदाधिकारी सभी उपस्थित है, और काफ़ी आनंद लिया सभी लोगों ने, और कहीं ना कहीं एक जो जोश पैदा करने की बात होती है कवियों के अंदर, वो आज हमें देखने को मिली। कई वीर के जो कवि थे उन लोगों ने देशभक्ति और स्वतंत्र सेनानियों की बात की, हमें काफ़ी सुनकर अच्छा लगा, और साथ में हास्य कवि मुन्ना बैटरी जैसे बड़े कवि भी आए, इन्होंने काफ़ी अच्छा मनोरंजन किया। मैं सभी इस कार्यक्रम के आयोजकों को शुभकामनाएं। काका का बहुत फेमस सागर की तरंग और कवि सम्मेलन, ये उनकी पहचान बनी हुई है, और बहुत सुंदर तरीके से बहुत साफ मन से वो ये रखते हैं। एक्चुअली तो ये हमेशा गुड़ी पड़वा के दिन रखते हैं, लेकिन अब की बार कुछ ऐसी वजह रही कि उनको ये आज करना पड़ा, लेकिन जब भी किया काका बिना हिम्मत हारे, हमेशा इस तरह से सुंदर प्रोग्राम करते रहते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि आप अपना काम करते रहो, लोग क्या कहते हैं उसकी फिक्र मत करो, और कौन कितने हर्डल लाते हैं वो लाते रहे, हम हमारा काम करते रहिए, उनका संदेश है। बहुत सुंदर तरीके से आज का आयोजन, बहुत अच्छे कवि, अभी अभी हम बहुत हंस के बाहर आ रहे हैं, बहुत सुंदर आयोजन। चौपाटी महोत्सव समिति की ओर से
हम लोग 17 साल से आयोजन करते हैं। एक चौपाटी जब इसे डेवलप करने का शुरू हुआ, आपको सबको बोलने में मुझे बड़ी खुशी है कि आज चौपाटी अलग स्थिति में खड़ी हो गई। चौपाटी नहीं थी, यहाँ ढेर कचरा सब रहता था, नगर पालिका का भी लोग ध्यान नहीं देते थे। हम लोग आग्रह किया कि यहाँ गणेश घाट बनना मांगता है, क्रिकेट का मैदान बनना मांगता है, गुलाब बगीचा बनना मांगता है, स्पोर्ट्स का बनना मांगता है, मैदान बनना मांगता है, इसके साथ साथ फुटबॉल मैदान बनना मांगता है। ये मांग करते करते हम कभी सम्मेलन भी करते रह गए और मांग भी करते रहे। महापालिका का जो जो अधिकारी आए उन्होंने ये लोगों के हित के लिए चौपाटी बनाने में सही प्राधान्य दिया, जैसे विधि शेड बनाया। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता था कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है, पर आज दादर से विरार तक ये विधि शेड का लोग उपयोग करते हैं और सबको है कि जैसे सब लोगों को लगता था नासिक जाना जरूरी है, हरिद्वार जाना जरूरी है, पर आज कम से कम लोग बाहर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जैसल पर चौपाटी पे दशक्रिया विधि करने के लिए आते हैं। और ये कवि सम्मेलन जो है, मुझे आज बोलना जरूरी है कि हर साल हम ये पाड़वा का दिन करते थे। अभी क्या बोले कि किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा है, उन्होंने 4 दिन चौपाटी बुक किया और हमें मैदान नहीं मिला। महापालिका ने हमें लिखित दिया कि आपको मैदान नहीं दे सकते। हम लोग तुरंत निर्णय लिया कि महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा ये मराठी लोगों का त्यौहार था, इसमें अड़चन आ गई, मगर हम महाराष्ट्र दिन के एक दिन पहले 30 तारीख को ये कवि सम्मेलन करेंगे। आज उसका आयोजन किया है, कोई हमें तकलीफ नहीं, हमें आनंद है, कवि खुश है, कवि आते हैं, हर साल कवि आते हैं। एक शांति आज भी है, कल भी रहेगी, जब तक हो सकते हैं तब तक हम एक कवि सम्मेलन करते हैं। देखा कि हर साल की तरह इस साल भी रोहिदास पाटिल ने कवि सम्मेलन रखा। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के कवि आए हुए थे, उन्होंने लोगों को अपने कविताओं के माध्यम से खूब हंसाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। रोहिदास पाटिल ने कहा ये कवि सम्मेलन हमेशा चलता रहेगा, लोगों की सेवाओं के लिए भी वो तत्पर रहेंगे। इंडिया टीवी के लिए काव्य वैद्य की एक खास। आर्मी वालों, साधु माई के लालों, ओ परशुराम के परसे की ओर धार दिखाने वालों, ओ माँ दुर्गा की माँ करणी की जयकार लगाने वालों, आ जाओ तुम हैं तो आओ तूफानों से टकराने, चले अखंड भारत पर फिर से भगवा लहराने। शारदे शारदे ज्ञान, फिर एक और आया बोला कर्नाक में पानी की नली छोड़ दो। आदरणीय, मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की सिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। वफाई हो जाए, अभी तो पूरे देश का ही माहौल है, अगर बात पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित कर देना कि न जाने कब अपनों से बेवफाई हो जाए, जो लगता है सबसे प्यारा बस वही हरजाई हो जाए, और मौसम ही इन दिनों हृदय परिवर्तन का है, न जाने कब कौन कांग्रेसी भाजपा ही हो जाए। नहीं और क्या, सही क्या, न जाने कब अपनों से बेवफाई हो जाए, अभी तो पूरे देश का ही माहौल है, अगर बात पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित कर देना कि न जाने कब अपनों से बेवफाई हो जाए, जो लगता है सबसे प्यारा बस वही हरजाई हो जाए, और मौसम ही इन दिनों हृदय परिवर्तन का है, न जाने कब कौन कांग्रेसी भाजपा ही हो जाए। बहुत अच्छे, हाँ। कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, मैंने कहा तालियां मापदंड नहीं होती है, तालियां बजवाना जानते हैं, कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। आदरणीय मिश्रा जी ने मुझे बहुत पहले बुलाया था मुंबई में, जब पहली बार मुंबई आया था तो बताया था मुंबई आए तो संभल के आना, मुंबई बहुत फास्ट शहर है, मुंबई आए तो संभल के आना, मुंबई बहुत फास्ट शहर है। मैं जब पहली बार मुंबई आया तो मुझे पता चला मुंबई वाकई फास्ट शहर है। मैं उतरा बॉम्बे सेंट्रल पे, सामान दादर में ही उतर गया, बेटे से पूछा, बोले ये कैसे क्या हो गया, और बेटे ने जो पलट कर जवाब दिया, आपकी फिर पीछे तक की तालियां देखना चाहता हूं, जैसे ही पूछा बोले ये कैसे क्या हो गया, तो बेटे ने पलट कर जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत अच्छे, तो इतनी लहर खतरनाक हो, एक पत्रकार ने पूछा।